नमस्कार, बीसीएन न्यूज की खास पेशकश में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। चीन के वुहान शहर से शुरू हुए कोरोना वायरस संक्रमण की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को पैंडेमिक यानी महामारी घोषित करने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक इसके खात्मे के लिए दवा खोजने में जुट गए। कोरोना नाम की इस महामारी से निजात पाने के लिए हर कोई वैक्सीन के शोध में जुट गया था और आखिरकार 16 जनवरी यानी शनिवार से कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो गई। हालांकि इस वैक्सीन को लेकर बहुत सारे संभ्रम लोगों में है, जिसका निवारण करने हेतु आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अविनाश कावंडी। सर, सबसे पहले तो हम कोरोना वैक्सीन से जुड़े सारे तथ्य सारी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। कोरोना वैक्सीन के साथ साथ में बाकी वैक्सीन के बारे में भी बताऊंगा। जो आजकल अपन जैसे देखते हैं, जैसे बच्चे का जन्म होता है तो वैक्सीन शुरू हो जाती है, और वैक्सीन ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे पुराने इसमें आप देखेंगे जो कुछ बीमारी नहीं होने के लिए आपने सुना ही होगा पुराने इसमें कि कुंती ने कर्ण को कवच कुंडली दिए थे। दिस वैक्सीन एक्ट एज ए कवच कुंडल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन, उससे वो बीमारी होती नहीं। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियाँ हमको कॉलेज में पढ़ाने के लिए भी नहीं है, जैसे मीजल्स खसरा है, चिकन पॉक्स के भी केसेस आजकल कम हो रहे हैं, इसका रीज़न है वो वैक्सीन देना। वैक्सीन देने के कारण उसका फायदा ऐसा है कि वैक्सीन देने के बाद बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज यानी उसके जो बीमारी उसके अगेंस्ट काम करने वाले सैनिक उसको जिसको एंटीबॉडीज बोलते हैं एंटीबॉडीज तैयार होते हैं, और वो एंटीबॉडीज बॉडी में रहने के कारण ओरिजिनल जब वो जंतु या वो बीमारी बॉडी में संक्रमण करती तो वो बीमारी होती नहीं। वैसे ही कोरोना वायरस जो है COVID-19 जिसको बोलते हैं, इसमें ये जो वायरस है उसके रिलेटेड जो जंतु है जिससे बीमारी नहीं होती है, ऐसे वे जंतु या उसके पार्ट ये बॉडी में दिए जाते हैं, और उसके कारण बॉडी जो बॉडी में इम्यून एपरेटस रहता है वो इम्यून एपरेटस एक सैनिक एक एंटीबॉडीज तैयार करती है, और वो एंटीबॉडीज अपने बॉडी में रहते डिपेंड्स ऑन कितने डोज लिए बूस्टर कितना है, और उतने दिन अपने ये एंटीबॉडीज अपने बॉडी में रहते हैं, और वो ड्यूरिंग दैट पीरियड यदि COVID-19 या कोविड जैसे वायरसेस इसका संक्रमण होता है तो बीमारी होती नहीं। ओके, तो सर ये जो कोरोना की जो वैक्सीन जिसका हमने शोध निकाला है तो इसका अलग अलग एज ग्रुप के लोगों पर कैसा एक्ट करेगा ये? हाँ, ये आपने देखा ही है कि ये बीमारी नई बीमारी है, इसका लास्ट दिसंबर से आपने अभी बता दिया है कि चाइना से शुरू हुआ, और अभी मार्च के बाद में ऑल ओवर वर्ल्ड इसका संक्रमण हो चुका है। अभी शायद ही कोई कंट्री के जहाँ पे अभी कोरोना वायरस की बीमारी नहीं है, तो ये नया रहने के कारण इसके वैक्सीन भी बाद में तैयार हुए। उसका वैक्सीन का जो रिसर्च है वो रिसर्च ऑल ओवर वर्ल्ड शुरू हुआ, उसमें कुछ सारे वैक्सीन हैं जिसमें वायरस का निर्जंतु करके ना उसका किल पार्ट बना के उससे वैक्सीन बनाए, कई जो वायरस है उनका एटेन्यूएशन के साथ यानी उनका जो विरुलेंस है जिनको बीमारी होने की बीमारी की जो शक्यता रहती है उसका ये नष्ट करते हैं उसको, और फिर वो एक एंटीजन करके एक वायरस करके इम्यूनाइजिंग एजेंट करके काम में आता, तो वैक्सीन के लिए काम में आता है। तो ये अभी अपने इंडिया में दो वैक्सीन हैं जो इंडियन मेड है, जैसे कि भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, ये दो वैक्सीन है, और दोनों वैक्सीन भी अपने लास्ट 16 तारीख से ऑल ओवर इंडिया जिसका वैक्सीनेशन देना शुरू हुआ है। ओके सर, ये वैक्सीन लेने के बाद किस तरीके से बॉडी में चेंजेस आएंगे, या मतलब वो जो कुछ कुछ लोगों को वैक्सीन लेने के बाद बुखार वगैरह आता है तो ऐसा कुछ ये वैक्सीन लेने के बाद होगा? कोई भी वैक्सीन बॉडी में जब जाता है वो वैक्सीन अपन इंजेक्शन के द्वारा अपन देते हैं तो ऐसे इसमें बॉडी उसको रिएक्ट करती है, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि वैक्सीन देने के बाद एंटीबॉडीज अपने बॉडी में तैयार होते हैं, तो वो उसके साथ साथ कुछ उसके लोकल और सिस्टमिक साइड इफेक्ट रहते हैं। लोकल साइड इफेक्ट यानी जहाँ पे इंजेक्शन देते हैं वहाँ पे थोड़ा सा लाल होना, वहाँ पे थोड़ा सा पेन होना, वहाँ से थोड़ा सा गर्म उसके जो वहाँ का पार्ट का टेम्परेचर वो बढ़ना, ये सब लोकल साइड इफेक्ट्स हैं। उसके साथ सिस्टमिक साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, बुखार आना, कमजोरी लगना, बॉडी पेन होना, ये सब सिस्टमिक साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ये सिर्फ ये वैक्सीन के नहीं, बाकी जो अभी तक के गोवर खसरा BCG टाइफाइड जॉन्डिस ये जो वैक्सीन है इसके साथ भी कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वैसे इसके साथ भी हो सकते हैं। ओके सर, जिस जब हम वैक्सीन लेते हैं उसके बाद हमें किन किन तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हमें ना हो?
कोई भी वैक्सीन के साइड इफेक्ट, एक इमीडिएट साइड इफेक्ट रहता है और एक डिलेड साइड इफेक्ट रहते हैं। इमीडिएट में आधे घंटे में, इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी वैक्सीन देने के बाद 30 मिनट्स के लिए वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रखते हर वैक्सीनी मीन जिन्होंने वैक्सीन ले चुके हैं, तो 30 मिनट्स में उनको कुछ तकलीफ होती क्या, उनको क्या क्या है उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं और 30 मिनट्स में कुछ तकलीफ नहीं तो उनको जाने देते, पहला पार्ट। दूसरा है कि अगले 7 दिन तक उनको उसका ऑब्जर्वेशन में घर में करने के लिए बताते, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वो वैक्सीनेटर से डिस्कस कर सकते हैं, उसके हिसाब से कुछ मेडिसिन ले सकते हैं। और जनरली वैक्सीन लेने के पहले थोड़ा सा खाना जरूरी है, प्रॉपर स्लीप चाहिए, मीन्स प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट, और कुछ जो इन दवाई है, जैसे किसी को कैंसर है, किसी को किडनी की बीमारी है, तो ऐसे लोग जो जिसके कारण कुछ दवाई पे है, जिसके कारण उसमें प्रतिकार शक्ति कम होती है, ऐसे लोगों को वैसे वैक्सीन नहीं दिए जाते। ओके सर, आपने अभी डाइट की बात कही, तो मतलब वैक्सीन लेने के बाद कुछ ऐसा प्रॉपर डाइट जो फॉलो करना होता है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं, वैक्सीन के पहले डाइट खाना जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप नॉर्मल सब खा, नॉर्मल सारी चीजें हम जो रेगुलर यूज करते हैं वो सारी चीजें कर सकते, सारी चीजें खा सकते। ओके सर, मैं जानना सिर्फ किसी को, मैंने कुछ लोगों को एक्चुअली वैक्सीन के बाद अल्कोहल या ये लेने के, वो नहीं लेना चाहिए, वो अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। सर, इसके इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या है, मैं ये जानना चाहूंगी। साइड इफेक्ट जो मैंने अभी बताया, लोकल साइड इफेक्ट और वही लोकल और सिस्टमिक साइड इफेक्ट उतना ही। ओके सर, इस वैक्सीन को लेकर लोगों में बहुत सारे र्यूमर्स फैले हुए, व्हाट्सएप पे भी या फिर सोशल मीडिया पे बहुत सारे इस वैक्सीन को लेकर सर बहुत सारे रूमर्स फैले हुए, सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के इससे जुड़े मैसेजेस सामने आ रहे, तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, अब कोई हमने तो अभी लास्ट आप देखेंगे तो नागपुर में सबसे ज़्यादा पेशेंट मेडिकल कॉलेज में है, और लास्ट मार्च महीने से हमने क्या क्या नहीं सहन किया और हर पेशेंट ने क्या क्या नहीं सहन किया, ये देख के हमको तो लगता है कि हर आदमी ने वैक्सीन लेना जरूरी है, वैक्सीन लेना चाहिए। वैक्सीन लेने से उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहेंगी, क्योंकि अपने को मालूम नहीं इसके आगे ये वायरस कैसे बिहेव कर सकता है, आगे क्या हो सकता है अगले जून या अगले साल तक, इसलिए हर एक ने वैक्सीन लेना जरूरी है। ओके, और जो अफवाह फैल रही है आप इन पे क्या कहना चाहेंगे, जो अफवाह फैली जा रही है? अफवाह कौन सी, उसका यदि किसी को कन्फ्यूजन है, आप कोई भी अपने जो नजदीकी डॉक्टर है उससे क्लैरिफिकेशन करके आप, लेकिन वैक्सीन लेना जरूरी है। ओके, और सर बस एक लास्ट मैसेज आज आप हमारे शो से क्या देना चाहेंगे लोगों को वैक्सीन से रिलेटेड? मैं लोगों को तो सबसे इम्पोर्टेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि वैक्सीन लेना तो जरूरी है, लेकिन वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है। इसका इफेक्टिवनेस जैसे आपने कोविशील्ड वैक्सीन का देखा है, वो 70% तक की इफेक्टिवनेस, यानी 100% इफेक्टिव नहीं है। इसलिए वैक्सीन लेने के साथ साथ आपको जो अभी तक अपने तीन चीज़ें देखते थे, जैसे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क यूज़ करना और हैंड हाइजीन, ये चीज़ें मैं बोलता हूँ सिर्फ आपका अभी ये महीने के लिए, ये साल के लिए नहीं, ये आपने आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट ही होना चाहिए। यानी सिर्फ वैक्सीन के साथ ये भी आप करेंगे तो आप सही में आप या पूरा इंडिया कोरोना मुक्त रह सकेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर आपका इतना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए। आज की इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही।